श्याम रजक राजनीति से अब संन्यास नहीं लेंगे, अब वो अपना आवास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में तलाशेंगे, इसलिए कि अब बाजाब्ता तौर पर विधिवत तरीके से इस बात का ऐलान उनकी तरफ से कर दिया गया है कि 1 तारीख को वो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे, यानी फिर से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर वापस हो रहे हैं, इसलिए कि जेडीयू ने उन्हें 2025 में फुलवारी शरीफ से टिकट देने का जो मामला है वो एक तरह से कंफर्म कर दिया है। इसलिए कि जब आरजेडी से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो ये कहते नजर आए कि हो सकता है विकल्प है, लेकिन एक विकल्प ये भी है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, लेकिन अब उस संन्यास की खबरों को अफवाह ही माना जाए, अब उन्होंने पूरी तरह से इस मामले को लेकर के ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना में और खास तौर से फुलवारी शरीफ इलाके में जहां से वो कई बार विधायक रहे, वहां पर बैनर पोस्टर लगाना शुरू हो गया है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, और अब बाजाब्ता तौर पर श्याम रजक 1 तारीख को जनता दल यूनाइटेड में शामिल होंगे और जेडीयू कार्यालय में पार्टी में वो शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल पर इल्जाम लगाते हुए लालू यादव और तेजस्वी को निशाना बनाते हुए श्याम रजक ने इस्तीफा दिया था, लेकिन आरजेडी के लोग ये बताते हैं कि वो इस्तीफा इसलिए दे दिए क्योंकि वो सियासी लालच में थे, पार्टी में संगठन में बहुत बड़ा काम वाम वो करते नहीं थे, लेकिन उनकी ये इच्छा थी कि राज्यसभा चले जाए, विधान परिषद चले जाए, और उनकी इस उम्मीद पर पानी जब फिरा तो उनको लगा कि नहीं, यहां रहना मुनासिब नहीं है, सत्ता के लोभी थे इसलिए इधर से उधर जाने का मामला था। लेकिन उन सारी तस्वीरों के दरमियान एक सबसे बड़ी बात यह है कि श्याम रजक चाहते थे कि फिर से फुलवारी शरीफ से वो चुनाव लड़े, लेकिन वो आरजेडी ने उस सीट को जो है गठबंधन में देने का फैसला लिया था और वहां पर अभी लेफ्ट के विधायक मौजूद हैं, इसलिए 2025 में उनकी दावेदारी वहां पर नहीं बनती है। अब श्याम रजक ने नए घर की तलाश के साथ साथ इस बात को लेकर के भी मामला फिट कर लिया है कि जनता दल यूनाइटेड उन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में फुलवारी शरीफ से अपना उम्मीदवार बनाएगी, और इसी वादे के पूरा करने के साथ श्याम रजक की फिर से एक तरह से समझिए कि घर वापसी हो रही। राजनीति में लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकले श्याम कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहे और नीतीश कुमार की कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे, उसके बाद फिर जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाला, फिर वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गए, आरजेडी के साथ एक लंबा समय बिताया और उसके बाद फिर आरजेडी को अलविदा कहते हुए फिर से वो नीतीश कुमार का दामन थामने जा रहे हैं, और इसको लेकर के राजधानी पटना और फुलवारी शरीफ में उनके जो समर्थक है उन्होंने बैनर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है और इस बात की घोषणा हो गई है कि वो आज से 2 दिन बाद यानी 1 तारीख को वो राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं के सामने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे, और एक तरह से समझिए कि श्याम रजक की घर वापसी हो रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।